हे एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन। लास्ट वीडियो में हमने इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट स्टडी किया था, अब हम करेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन। इसके अंदर टोटल हम पांच तरह के कॉटन के पेस्ट स्टडी करते हैं, दैट इज़ द पिंक बॉल वर्म, रेड कॉटन बग, कॉटन ग्रे वेविल, कॉटन जेसिड एंड सर्फिस क्रास ओपर। ठीक है, तो पहला है हमारे पास पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म में पहले आपको वही इसकी क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली आपको याद करनी पड़ेगी। देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अब तक पढ़ते आए हैं, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया। एंड होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो होस्ट प्लांट मेनली क्या इसमें कॉटन है, एंड अदर दूसरे प्लांट्स हो सकते हैं लाइक कोई भी लेडी फिंगर्स वगैरह, यहाँ पे ये आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लांट पे वो होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल अपीयरेंस में क्या पढ़ते हैं, जनरल अपीयरेंस में आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जब हम पिंक बॉलवर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम मोथ की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोथ होती है वो काफ़ी स्मॉल इंसेक्ट है, यहाँ पे उसका मतलब काफ़ी छोटा होता है, लेंथ में काफ़ी छोटा होता है, ग्रे कलर का होता है, फोर विंग्स होते हैं एंड हाइंड विंग्स होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जनरल अपीयरेंस तो आपको याद करनी पड़ेगी। देन हैबिट्स में अगर हम बात करें मोथ की, तो हमें पता ही है कि नॉक्टर्नल मोथ तो नॉक्टर्नल ही होती है, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, एंड नाइट में वो लाइट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। एंड ये हमें फिर भी पता है कि जब हम मोथ को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम कैटरपिलर स्टेज स्टडी करते हैं। कैटरपिलर स्टेज ही ऐसी स्टेज होती है जो क्या करती है, डैमेज कॉज करती है ना। तो यहाँ पे जो कैटरपिलर है वो डैमेज कॉज करेगा, कहाँ पे करेगा, बॉल में, कॉटन बॉल्स के अंदर वो डैमेज कॉज करता है, कौन, कैटरपिलर। देन आते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, दैट इज़ द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में हमें आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, अगर हम मोथ में समर्स की बात करें तो समर्स में अपना लाइफ साइकिल बहुत छोटे टाइम में कंप्लीट कर लेती है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे शॉर्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। लेकिन वहीं विंटर के अंदर ही इसे काफ़ी लंबा टाइम चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो तभी इसे बोलते हैं हम लॉन्ग लाइफ साइकिल। देन वही इसके बाद लाइफ साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक्स कैटरपिलर स्टेज आएगी, देन प्यूपा स्टेज एंड एडल्ट स्टेज, ये सब आपको पता ही है। जनरल पढ़ते हैं, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे एक्स जो होते हैं आपके 300 के आसपास यहाँ पे एक्लिंग होती है, और कहाँ होती है, लीफ पे। ठीक है, मतलब सॉरी कॉटन प्लांट के ऊपर होगी। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आता है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्स होते हैं वाइट होते हैं, लॉन्गेटेड होते हैं, फ्लैट होते हैं, सो चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। देन आते हैं कैटरपिलर स्टेज, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि जो कैटरपिलर स्टेज होती है वही यहाँ पे क्या करती है, डैमेज कॉज करती है, जो कॉटन बॉल होगी वहाँ पे वो क्या करेगी, उसमें डैमेज करती है। ठीक है, कॉटन बॉल में डैमेज करती है, इसलिए तो इसका नाम बॉल वर्म पड़ा है। ठीक है, देन इसके बाद आपको फिर वही, देन इसके बाद क्या आती है, यहाँ पे प्यूपा स्टेज आती है। प्यूपा स्टेज किसमें कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ अ एडल्ट स्टेज में। सो गाइस, बस आपको जैसे कि यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी जो कैटरपिलर स्टेज होती है, कैटरपिलर स्टेज किस तरह की होती है, थोड़ी सी पेयर येलो कलर का होता है एंड डार्क हेड है, एंड ग्रेश कलर के इसके प्रोथोरैक्स होते हैं। देन कैटरपिलर, हमने अभी कहा कि कैटरपिलर जो यहाँ पे कॉटन बॉल में बोरिंग करता है, तो कभी कभी वो जो है फ्लावर्स या शूट बर्ड्स में भी बोरिंग करता है। ठीक है, अब जो हमारा कैटरपिलर है, वो कैटरपिलर हमारे कहाँ पे लीव कर रहा है, उसके बॉल वर्म के, सॉरी कॉटन बॉल के अंदर लीव कर रहा है, तो वहीं पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्यूपा जो है सिल्क कुकून के अंदर बनती है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ द कैटरपिलर प्यूपेट्स इनसाइड द सिल्क कुकून, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन द लीव्स। देन इसके बाद जब हमने कहा कि जो प्यूपा है उसके बाद किसमें एडल्ट में चेंज होगा, एडल्ट में चेंज होगा तो वो उस बॉल वर्म से बाहर आ जाता है एडल्ट। ठीक है, एडल्ट उसमें से बाहर निकल जाता है। देन आप यहाँ पे एडल्ट के बारे में अगर आपको यहाँ पे लिखना, तो आप यहीं पे मतलब लिख सकते हो कि जो हमने इसके जनरल अपीयरेंस में लिखा कि वो किस तरह का दिखता है, वो आप एडल्ट में भी लिख सकते हो, अदरवाइज हम उसमें भी नोट कर सकते हैं। देन सिंपल है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके लिए डैमेज। हमने अभी भी कहा कि जिसका डैमेज है वो कौन कॉज कर रहा है, कैटरपिलर कॉज कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि वो कॉटन बॉल्स में या फिर फ्लावर्स में भी शूट में क्या करता है, बोरिंग करता है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अगर ये सीड्स के केस में अगर जब ये बोरिंग करता है होती है जिसकी, तो यहाँ पे ऑयल कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है। ऑब्वियस बात, अगर ऑयल कंटेंट कम हो गया तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है ना, क्योंकि अगर कैटरपिलर यंग सीड्स पे ही अगर डैमेज कॉज कर देगा, वहीं पे बोरिंग करेगा, तो वो ऑब्वियस बात है उसी पे फीड करेगा, तो वहाँ पे जो ऑयल कंटेंट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो वो सीड हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो देन आते हैं इसके बारे में आपके लिए कंट्रोल। कंट्रोल आप सबको पता ही है, कंट्रोल के बारे में हम क्या लिखते हैं जब तक पढ़ते आए हैं, दैट इज़ द हमारी रेटून। क्रॉपिंग को हम अवॉइड करना चाहिए हमें, अगर जो भी हमारे पास जो भी इन्फेक्टेड जो भी एरिया दिखे हमें, जो भी तरह की इन्फेक्टेड जगह दिखे तो प्लांट के अंदर, तो हमें उसे कलेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जहाँ पे भी एग मासेस दिखते हैं उसको हमें अलग करके क्या कर देना चाहिए, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो रेजिस्टेंट वेराइटी को ग्रो करो, ये सब चीज़ें हमें पता है, हमने सब पहले से पढ़ रखी है ना। तो आप क्या होता है गाइस, जो कंट्रोल में लिखते हैं हम, कंट्रोल में नॉर्मल सी हर सेम सी चीज़ें आती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पेस्ट, दैट इज द रेड कॉटन बग। इसके अंदर आप वही क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली स्टडी करेंगे।
देन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसका होस्ट प्लांट, इसकी अपेयरेंस. अपेयरेंस में आपको याद करना पड़ेगा कि इट हैज़ अ ब्लैक मार्क्स ऑन द फोर विंग्स एंड वाइट पैंट्स ऑन द एब्डोमेन. ठीक है. देन इसकी हैबिट स्टडी करते हैं. हैबिट्स में आप क्या लिखोगे कि जो इंसेक्ट होते हैं वो ड्यूरिंग डे एक्टिव होते हैं. हम मोथ में क्या स्टडी करते हैं कि वो नॉक्टर्नल होते हैं, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं रेड कॉटन बग, ये क्या होता है, ये एक्टिव ड्यूरिंग डे. ठीक है. एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसका हैबिट क्या है. तो ये प्लांट के सेल सैप पे फीड करता है. किस पे? सेल सैप पे फीड करता है. उस सेल सैप पे फीड करता है, और इसके पास पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. क्या होता है गाइस, जो अभी हम जितने भी पेस्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर किसी में एक नए करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं. लाइक जैसे कि हमने जहाँ पे भी हम बोरिंग की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मौत देखने को मिलते हैं. तो आपको मौत के बारे में हर चीज़ याद पता है कि क्या क्या नॉर्मल होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल केसेस में देखने को मिलता है, कॉमन होता है जो बिल्कुल ही. जैसे कि हमने अभी पढ़ा रेड कॉटन बग, हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी नए नए टर्म्स देखने को मिलती है. लाइक हम बात करते हैं, हमने अभी कहा कि हमें हैबिट्स याद करना पड़ेगा कि ये सेल सेप पे फीड करती है. दूसरा यहाँ पे एक चीज़ आई है, दैट इज़ द इसके पास पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एक टर्म और आती है, दैट इज द ग्रेगेरियसली. आखिर ग्रेगेरियस होता क्या है? जो हम लाइफ साइकिल पढ़ते थे, इसके लाइफ साइकिल में हम इसके तीन स्टेजेस पढ़ते हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट. हमने अभी कहा कि यहाँ पे ओवियस बात है, अब यहाँ पे एगलिंग होगी. एगलिंग के बाद वो किससे कन्वर्ट होगा? निम्फ में कन्वर्ट होगा. और जो लिम्फ, जो यहाँ पे निम्फ होता है, निम्फ ही यहाँ पे क्या करता है, डैमेज कॉज करता है. किसमें? वही सेल सेप पे फीड करता है. इसी के पास क्या होता है, पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो यही यहाँ पे मतलब मेन डैमेज तो यहाँ पे निम्फ और एडल्ट ही करते हैं. तो यहाँ पे जो निम्फ है, निम्फ एक तरह का ग्रेगेरियस फीडर होता है. ग्रेगेरियस फीडर क्या होता है? ग्रेगेरियस मतलब कि एक ऐसे इंसेक्ट्स, मतलब एक झुंड में रहना. ठीक है ना. जो एक हर्ड में रहते हैं, हु लाइव्स इन हर्ड, या फिर एक जो झुंड में रहते हैं उसे बोलते हैं ग्रेगेरियस. सो यहाँ पे जो नीम्फ होते हैं, जो रेड कॉटन बग होते हैं, ये एक तरह के ग्रेगेरियस फीडर होते हैं. ये एक झुंड में रहते हैं हमेशा. ठीक है. हु लाइव्स इन द हर्ड. ओके. तो यहाँ पे आपको याद रखना है बस ये. देन नीम्फ जो होता है थोड़ा रेड कलर का होता है. इसके पास विंग्स नहीं होते. ये बात आपको नोट करनी है कि यहाँ पे विंग्स नहीं होते, लेकिन जो वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, देन उसके पास विंग्स आ जाते हैं. ठीक है. एंड देन विंग्स नहीं होते. ग्रेगेरियस तरह का ग्रेगेरियस होता है ये, और आफ्टर मोल्टिंग कन्वर्ट हो जाता है. किसमें? एडल्ट में. एडल्ट के पास यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट होता है. माउथ पार्ट्स अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं. सकिंग टाइप के, पियर्सिंग टाइप के विंग्स आ जाते हैं. और बस वही. तो यहाँ पे मेन डैमेज कौन कॉज करता है? निम्फ और एडल्ट कॉज करता है. देन इसके बाद क्या आता है हमारे पास? डैमेज. अभी हमने कहा कि यहाँ पे जो मेन डैमेज है वो कौन कॉज कर रहा है? एडल्ट एंड निम्फ कॉज कर रहा है. By sucking the cell sap of plant and balls. Plant या cotton balls के cell sap पे ये फीड करते हैं. तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी जो ऑयल कंटेंट होता है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पे हमें काफ़ी ऑयल देखने को मिलता है इस केसेस में भी. ठीक है. देन इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? देन कंट्रोल. कंट्रोल के बारे में आपको सब पता है. जहाँ पे भी हम इंसेक्ट्स देखे उन्हें पकड़िए एंड उनको किल कर दीजिए. ज़्यादा हो सके तो रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो किए. पर्टिकुलर चीज़ों की स्प्रेइंग की जानी चाहिए. ये सब चीज़ें आपको पता है. ठीक है. देन इसके बाद अब आप पास नेक्स्ट पेस्ट आता है, दैट इज़ द कॉटन ग्रे वेविल. यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही क्लास, ओर्डर, फैमिली, डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट प्लांट एंड इसके जनरल अपीयरेंस. जनरल अपीयरेंस में क्या लिखेंगे कि जो ये वेविल होता है वो थोड़ा डार्क ग्रे कलर का होता है एंड इसके पास वाइट और ब्राउन कलर की हल्की सी मार्किंग्स प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी पे. ठीक है. एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. जब इसके हैबिट्स में हम पढ़ रहे हैं कॉटन ग्रे वेविल, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ग्रब्स होते हैं वो स्टेम में बोरिंग करते हैं. किसमें? स्टेम में बोरिंग करते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा. जब हम शुगर केन पढ़ते थे तो शुगर केन, या फिर हमने जो वीट का पढ़ा था, वहाँ पे हमें उसके नाम से इंडिकेट हो जाता था कि ये क्या करने वाला है, इसका हैबिट क्या रहने वाला है. लेकिन आई थिंक हम यहाँ पे कॉटन में हमें समझ में नहीं आएगा इजिली. इसके नाम से इंडिकेट नहीं होता है कि ये कहाँ पे किस तरह की क्या बोरिंग करते हैं. ठीक है. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम कॉटन ग्रे वेविल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रब्स होते हैं वो स्टेम में बोरिंग करते हैं. कौन? ग्रब्स. देन आता है इसका लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में हम क्या पढ़ते हैं? एग्स, वही चार स्टेज, एग, ग्रब, प्यूपा एंड एडल्ट. एग्स के यहाँ पे वही 220 to 230 के आसपास यहाँ पे एगलिंग होती है. काफ़ी स्मॉल होते हैं, ओवल शेप के होते हैं. ग्रब्स की बात करें तो ग्रब्स यहाँ पे कॉटन स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं. हमने अभी कहा था पीछे आपको हैबिट में कि जो ग्रब्स होते हैं वो यहाँ पे स्टेम में बोरिंग करते हैं, है ना. तो यहाँ पे जो ग्रब्स होते हैं वो कहाँ पे, किस में पेनिट्रेट करते हैं? इन द कॉटन स्टेम. एंड वहाँ पे एक कैलोरीज की फॉर्मेशन, मतलब एक जगह बना लेते हैं, एक टनल की फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है. इस तरह से याद रखेंगे. एंड आफ्टर सम टाइम वो प्लांट डाई कर जाता है जहाँ पे भी ग्रब एंटर करते हैं. ओके. देन इसके बाद किस में से कन्वर्ट हो जाती है? प्यूपा स्टेज में. प्यूपा स्टेज अभी हमने कहा कि जहाँ पे वो गैलरीज बनाते हैं, सो कॉल्ड टनल, वहाँ पे ये लाइफ करते हैं. उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एडल्ट में. एडल्ट वहाँ से बाहर निकल जाता है. ठीक है.
देन इसके बाद जो अडल्ट होता है वो अडल्ट हमारा यहाँ पे लीफ फ्लावर या यंग बोल्स पे फीड करता है, ये आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, आपको पता ही है हम कंट्रोल पढ़ेंगे, कंट्रोल में आपको रिटर्न क्रॉपिंग अवॉइड करनी चाहिए, जो भी पर्टिकुलर चीज़ की स्प्रेइंग की जानी चाहिए, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उसे रिमूव कर दो, या फिर ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करो, ओके। देन आता है हमारे पास कॉटन जेसिड, फोर्थ है हमारे पास कॉटन जेसिड। देन वही आप पढ़ेंगे क्लास ऑर्डर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट प्लांट्स क्या है, जनरल अपीयरेंस किस तरह का दिखता है, देन इसकी हैबिट्स, हैबिट्स में आप वही कि यहाँ पे ये भी क्या एक तरह का नॉक्टर्नल इंसेक्ट ही है, रात की तरफ ही एक्टिव, रात में एक्टिव होता है और लाइट की तरफ ही अट्रैक्टेड होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जब हम कॉटन जेसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एडल्ट होता है वो यहाँ पे सेल सेप पे फीड करता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा इंसेक्ट, कौन कौन सा पेस्ट जो है किस किस टाइम, मतलब क्या क्या किस किस चीज़ों पर फीड कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे कि कौन कब किस किस चीज़ों पे फीड करता है, ओके। देन आता है हमारे पास एग्स, एग की वही बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 50 के आसपास एगलिंग होती है ऑन द लीफ, सॉरी हाँ लीफ पे, एंड नीम्फ, नीम्फ अभी हमने कहा कि यहाँ पे ये सेल सेप पे फीड करते हैं, तो सकिंग द सेल सेप फ्रॉम द प्लांट टिश्यूज, एंड एडल्ट, एडल्ट के पास, एडल्ट किस में, सॉरी नीम्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में। एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे जो नीम्फ होता है उसके पास इतने विंग्स नहीं होते, डेवलप विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन एडल्ट में डेवलप विंग्स आ जाते हैं, ओके। देन इसके बाद हमें पता है डैमेज, डैमेज में हम क्या लिखेंगे, हमने अभी भी पढ़ा कि यहाँ पे नीम्फ और एडल्ट होते हैं वही मेन डैमेज कॉज कर रहे हैं बाय सकिंग सेल सैप। फिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगी, लीव्स की विल्टिंग हो जाएगी, लीव्स विल्टिंग हो गई तो आपको पता ही है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी काफ़ी अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं। देन आपके कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल में आपको पता ही है क्या लिखना है, ओके। देन आता है हमारे पास लास्ट पेस्ट, दैट इज़ द सर्फेस ग्रास ओपर, ग्रास ओपर के बारे में आप सबको पता ही है, बस वही यहाँ पे आपको लिखना है, दैट इज़ द, वैसे आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होस्ट प्लांट एंड एडल्ट, एडल्ट किस तरह, सॉरी जनरल अपीयरेंस किस तरह का दिखता है, हमें नॉर्मल पता है ग्रीनिश येलो कलर का ही होता है। देन बात करते हैं इसकी एडल्ट की, सॉरी एडल्ट नहीं, हैबिट्स की, तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो ये सरफेस ग्रास ऊपर होता है, अगर हम बात करें कॉटन के केस में, तो यहाँ पे जो एडल्ट होते हैं वो नॉर्मली ड्यूरिंग डे एक्टिव रहते हैं, किसमें, ड्यूरिंग डे एक्टिव रहते हैं, एंड एडल्ट्स यहाँ पे लीव्स पे फीड करते हैं। नॉर्मली हमें देखा ही होगा कि आपने नॉर्मल देखते भी हम जो ग्रास ऊपर होता है वो लीव्स खाता है ना, देखा ही होगा आपने, एंड जर्मिनेटिंग कॉटन प्लांट्स पे ये फीड करते हैं, ओके। देन बात आती है इसकी एगलिंग की, एगलिंग में हमारे पास वही 20-30 के आसपास यहाँ पे एगलिंग होती है, ओवल शेप के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। देन नीम्फ आते हैं, नीम्फ की यहाँ पे मोल्टिंग होती है और किसमें चेंज हो जाता है, एडल्ट में, पहले विंग्स नहीं होते, देन यहाँ पे डेवलप विंग्स आ जाते हैं किसमें, एडल्ट के अंदर। मेन डैमेज कौन कॉज कर रहे हैं, मेन डैमेज कॉज कर रहे हैं यहाँ पे एडल्ट और नीम्फ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लीव्स पे फीड करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फीडिंग करने की वजह से यहाँ पे कभी कभी लीफ बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं प्लांट्स पे, और अगर ऐसा हो गया तो फोटोसिंथेटिक काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ें आप तो ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर ऑब्वियस बात है कोई लीफ पे फीड करेगा, लीफ पे फीड करेगा तो फोटोसिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, बिल्कुल अफेक्टेड हो जाएगी, है ना, बस यही है। देन कंट्रोल, कंट्रोल में आप क्या करेंगे, जब तक हम पढ़ते आए हैं स्प्रेइंग की जानी चाहिए, एंड जो भी है, जो भी हमें इन्फेक्टेड एरिया दिखता है वहाँ से उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नॉर्मल थिंग है, ठीक है। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडिंग, मतलब प्राइस की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।